एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, हर बार क्वेश्चन वही बार बार रिपीट होते ना, तो आप क्या करिए, ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना इम्पॉर्टेंट, इन सब क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से। लेकिन तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास टेंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, टेन वन, टेन टू, टेन थ्री, डॉट डॉट डॉट, टेन एट्टी नाइन, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसको कैसे करते हैं, टेन वन डिग्री इंटू टेन टू इंटू टेन थ्री डॉट डॉट डॉट। देखिए, जैसे 89 है तो बताओ 89 से पहले और क्या रहा होगा। ये आपका मान लिया 89 यहाँ पर लिखा हुआ है, 89 से पहले क्या हुआ होगा, फिर 89 से पहले आपका 88 होगा, और इससे पहले क्या होगा, टेन 87 हुआ होगा, टेन 87 डॉट 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 ऐसे यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, टेन वन, टेन टू, टेन थ्री डॉट डॉट डॉट। देखिए, टेन 87 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। इसको लिख सकते हैं हम टेन 90 माइनस थ्री। देखिए, 90 से अगर आप 3 निकाल दोगे ना तो बचेगा क्या, फिर 87 ही बचेगा। इसी तरीके से आप टेन 88 को क्या लिख सकते हैं, 88 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस टू। देखिए, 90 से जब आप 2 लेस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 88। इसी तरीके से जैसे आपके पास 89 है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 90 माइनस वन। 90 से 1 जाएगा तो बचेगा क्या, फिर 89। देखिए, फिर से क्या लिख सकते हैं आप, टेन वन इंटू टेन टू इंटू टेन थ्री डॉट डॉट। बताइए, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉट थीटा। देखिए, कॉट और क्या हो जाएगा आपका, 3। और देखिए, टेन 90 माइनस टू, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा कॉट 2, कॉट 2। टेन 90 माइनस वन, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट 1। तो देखिए, इधर आपका चल रहा है टेन 2, टेन 1, टेन 3, इधर बाद में पीछे से बनता चला रहा है टेन 1। अब बताइए, टेन क्या होता है, कॉट का अपोजिट ही तो होता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट 1 इंटू वन अपॉन कॉट टू इंटू वन अपॉन कॉट थ्री डॉट 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 कॉट थ्री कॉट टू और कॉट वन। और ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए, ये सब कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका, वन। यानी इस सब की वैल्यू क्या आएगी, वन। ये देखिए, एक नंबर ऑप्शन में आपके क्वेश्चन आएगा कि टेन वन, टेन टू, टेन थ्री डॉट डॉट डॉट, टेन 89, इसकी वैल्यू क्या होती, वन होती। इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। और कैसे होती है, ये देखिए इस तरीके से करते हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कैसे हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर टू आपका जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये एक नंबर ऑप्शन में इसकी वैल्यू क्या होती है, वन माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर 45। देखिए, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू, इसे आपका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका कॉस 2 थीटा। देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सिंपली आपका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो हो जाएगा कॉस 2। और देखिए, थीटा की जगह क्या लिखा हो, 45, तो हो जाएगा आपका कॉस 2 इंटू थीटा की जगह 45। तो बताओ, 45 दुना कितना होता है, 90, तो हो जाएगा कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सिंपली में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखिए, सेकेंड मैथड इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका, आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, तो प्लस टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। देखिए, 1 माइनस 1 करोगे तो 0, 0 अपॉन समथिंग तो क्या होता है, 0। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है वो क्या बन सकता है, इसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो देखिए, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है वन अपॉन टू स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। रूट में बताइए, थ्री का रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर 4। अब दोनों के एलसीएम एक जैसे हैं तो 4 हो जाएगा, नीचे 3 से 1 गया तो क्या बचा, 2, और 2 टू जा 4, यानी बचा कितना, 1 बाई 2। तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई आपकी 1 बाई 2, ये क्या हो गई, 1 बाई 2। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन जैसे आपका लिखा हुआ है, टेन टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी है,
हमें पता करना है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ये पूछा कि अगर टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो हमें पता करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको आप लिख लीजिए ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी अच्छे से देखिए। देखिए आपको ऊपर दे रखा टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो बताइए यहाँ पर टेन तो है नहीं, तो टेन आपको बना लेना। देखिए टेन कब बनेगा, टेन बराबर आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए ऊपर साइन तो है, अब हम क्या करें, ऊपर और नीचे यानी अंश न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, अंश और हर में किससे डिवाइड करा दें, कॉस से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा टेन थीटा। तो देखिए कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर भी डिवाइड करा लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, साइन अपॉन कॉस टेन होता, तो ए और साइन अपॉन कॉस मिलकर क्या बन जाएगा टेन थीटा माइनस यहाँ कितना बचा बी अपॉन, देखिए ए साइन अपॉन कॉस क्या हो गया आपका टेन थीटा और प्लस यहाँ कितना बचा आपका बी। अब टेन थीटा की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए, देखिए टेन थीटा दे रखा है ए अपॉन बी, तो ए तो है ही टेन की जगह क्या लिख दिया हमने ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए, ए और इनटू में टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे ए अपॉन बी, और इधर क्या लिखा हुआ आपका प्लस का बी। देखिए इधर सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए, ए इंटू ए करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। देखिए एलसीएम बराबर करेंगे, बी का बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, देखिए ये नीचे का बी जब एलसीएम बराबर करेंगे और ये वाला बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए ए इंटू ए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, बी का बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू टोटल में क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपको ऑप्शन मिलेगा, ऐसे टिक कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। आगे देखिए बात करते हैं और आपके इम्पॉर्टेंट, देखिए ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन बाकी हैं। देखिए और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपका, जैसे अगला क्वेश्चन है आपका टू कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू वन, टू कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू वन है तो आपसे पूछ लेता थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, कॉस थ्री थीटा इज इक्वल, देखिए टू इधर मल्टीपल में, इधर हमने भेज दिया अपॉन में। अब आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बताइए कॉस में वन बाई टू वैल्यू किसकी होती है, कॉस में वन बाई टू वैल्यू किसकी होती है, तो आप कहेंगे कि कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू, कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है वन बाई टू। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बचा आपका कितना थ्री थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री, थ्री थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री, अब थ्री से काट दो थ्री वन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स यानी ट्वेंटी, तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका ट्वेंटी डिग्री, थीटा बराबर 20 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे जैसे आपको दे रखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी ए अपॉन बी, आपसे पूछा गया कि टेन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टेन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ए अपॉन बी दे रखा है, टेन थीटा निकाल के बताइए। तो देखिए कॉस थीटा जो दे रखा है टेन बराबर होता क्या है, अब देखिए टेन थीटा का अगर आपको निकालना है कॉस दे रखा, तो देखिए कॉस आपको दे रखा तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से लिख देते हैं क्या ए अपॉन बी, हमें पता करना है कि टेन थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन बराबर आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर देखिए ऐसे कर देते हैं इसको टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉस की वैल्यू तो आपको ए अपॉन बी दे रखी लेकिन साइन की तो दे नहीं रखी, लेकिन आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या दे रखा है आपको कॉस थीटा, तो आपका ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस, अब बताइए कॉस की वैल्यू तो दे रखी ना, कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी ए अपॉन बी स्क्वायर है, तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ए अपॉन
बी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दीजिए, अपॉन में क्या बचेगा, अंडर रूट से बाहर आएगा बी स्क्वायर तो बचेगा बी, अपॉन में क्या है ए अपॉन बी, तो देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कॉस थीटा बराबर ए अपॉन बी, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। देखिए अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे पूछे जाते हैं। थैंक यू एवरीवन।